A pleasant morning to all the students and all my dear friends. मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कलोनी क्लासेस. आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं जो हम शॉर्ट में जवाब दिया करते हैं या शॉर्ट में कुछ ना कुछ हम कहा करते हैं. और ख़ासकर वो जो हम कहते हैं ना, वो हमारा एक शॉर्ट जवाब होता है, एक शॉर्ट रिप्लाई या आंसर हुआ करता है. जैसे कि नहीं खेलना है, नहीं जाना है, नहीं आना है, नहीं मारना है, नहीं पीटना है, नहीं पीना है. ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर जवाब में बोलते हो. जब कोई आपसे कुछ पूछता है या कुछ ऐसा प्रश्न आपसे करता है तो वैसे सिचुएशन में आप ऐसे ही जवाब देते हो शॉर्ट में. या फिर आप कुछ इस प्रकार भी बोलते हो, बस खेल रहा हूँ, बस बैठा हूँ, बस सोया हुआ हूँ, बस लिख रहा हूँ, बस पढ़ा रहा हूँ. ऐसे सेंटेंसेज भी आप जवाब के रूप में कुछ ना कुछ बोलते हो. तो ये दो टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं, आप इनको बड़े ही आसानी से बोल सकोगे, बड़े ही आसानी से आप बता सकोगे. ऐसे ही कुछ सेंटेंसेज मैं ले आया हूँ और ये आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लो, नहीं जाना है नॉट टू गो, नहीं पढ़ना है नॉट टू रीड, नहीं खेलना है नॉट टू प्ले, शाम में नहीं आना है. तो पहले आप बना लो कि नहीं आना है, ओके. तो नॉट टू कम और कब, शाम में, इन द इवनिंग, है ना. नहीं आना है सुबह में, तो नॉट टू कम इन द मॉर्निंग. नहीं खेलना है दोपहर में या दोपहर में नहीं खेलना है, नॉट टू प्ले इन द आफ्टरनून. ऐसे ही रात में नहीं पढ़ना है, नॉट टू रीड इन द नाइट, है ना. इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेज इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट या एट नाइट, ऐसा करके आप बना सकते हो. उसके बाद है तुमसे नहीं मिलना है, तो पहले बनाएंगे नहीं मिलना है, नॉट टू मीट. किससे, तुमसे, यू, उनसे, देम, उससे, हिम या हर, आपसे, यू, हमसे, अस. ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. रविवार को नहीं जाना है, तो पहले हम बनाएंगे नहीं जाना है, नॉट टू गो. कब, रविवार को, ऑन मंडे, मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे, शनिवार को, ऑन सैटरडे, रविवार को, ऑन संडे. इस प्रकार से आप बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे छोटे वाक्यांश या सेंटेंसेज आप बोल सकते हो. जब भी आपके दिन के साथ को आते हैं ना, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, तो बस आपको ऑन लगाना होता है. और याद रहे, ऑन के बाद द नहीं लगाना होता है, सिर्फ ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, इस प्रकार से आप बोलोगे. तो बस आपको जब कभी भी शॉर्ट में आंसर देना हो ना, तो आप ऐसे ही जवाब दोगे, यानी नॉट टू से शुरुआत करोगे, इसके बाद वर्ब दोगे और तब जाकर के इधर के जो भी वर्ड्स होंगे वो हमारे बाद में लिखे जाएंगे. जैसे कि शाम में, सुबह में, दोपहर में, रात में, तुमसे, उनसे, हमसे, आपसे, रविवार को, मंगलवार को, सोमवार को, शनिवार को, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होंगे ना वो अंत में चले जाएंगे. तो आगे से जब कभी भी आप किसी को जवाब देना अंग्रेज़ी में, तो ऐसे ही नॉट टू के द्वारा जवाब देना. कब दोगे जवाब, जब आपकी हिंदी क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, ऐसा कुछ आया हो तब. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो रिप्लाई में हम कुछ ऐसे बोलते हैं, बस खेल रहा हूँ, बस देख रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, बस सो रहा हूँ, ऐसे सेंटेंसेस का. तो बस बैठा हूँ, जस्ट सिटिंग, है ना, आप बस के लिए जस्ट लगा दोगे और इसके बाद जो आने वाली वर्ब रहेगी ना उसमें आप ing करोगे, ओके, जस्ट सिटिंग. बस खेल रहा हूँ, जस्ट प्लेइंग. बस खड़ा हूँ, जस्ट स्टैंडिंग. बस सोया हूँ, जस्ट स्लीपिंग. बस देख रहा हूँ, जस्ट लुकिंग. ऐसे ही करके आप तो हज़ारों के हज़ारों वाक्यांश बना सकते हो, हज़ारों फ्रेजेस बना सकते हो जस्ट लगा करके. लेकिन याद रहे कि जस्ट के बाद आने वाली जो हमारी वर्ब होंगी वो हमेशा वी फॉर होंगी, यानी उनमें ing लगा होगा. आप देख रहे हो कि इसमें बैठा हूँ, रहा रही रहे नहीं आया, ओके. सोया हूँ, रहा रही रहे नहीं आया. फिर खड़ा हूँ, रहा रही रहे नहीं आया. तो सोचोगे कि क्यों ing करे, तो मैं आपको बता दूं कि जब काम कंटिन्यूअस रहता है, यानी कहने का मतलब है जब काम कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, तो आपको रहा रही रहे दिखे या ना दिखे आपको ing करना पड़ता है. तो बस बैठा हूँ, तो बैठा हूँ तो बैठने का कार्य तो शुरू है ना, यानी जारी है ना, कंटिन्यू है, इसलिए आप ing का इस्तेमाल करोगे. तो जब कभी भी आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलने हों तो आप ऐसे ही बोलोगे जस्ट के साथ और इसके बाद ing कर दोगे. और जब आपको शॉर्ट में कहना हो, ना है, नी है, ने है वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको आप नॉट टू लगा करके बनाओगे. और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ऐसे ही अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो या अंग्रेजी सीखना चाहते हो
तो आप ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स को याद करते चलो। मैं आपके साथ हूँ मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस पे, मेरे साथ आप बने रहो। मैं आपको बहुत ऐसे हिंट्स देने वाला हूँ, बहुत ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूँ छोटे छोटे, जो बहुत ही कारगर होंगे, बहुत ही इफेक्टिव होंगे, बहुत ही फ्रूटफुल होंगे और एजुकेटिव भी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब के लिए तो मैं उतना नहीं कहता, लेकिन शेयरिंग के लिए ज़रूर कहता हूँ एंड कहता रहूँगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलना कि ये वीडियो, ये ट्रिक, ये टिप्स आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल।